नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आप सबों का अभिनंदन करता हूं अपने इस हुनर टेक चैनल में। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक बहुत ही बड़ा उत्तल लेंस बनाऊंगा, जो कि काफ़ी सिंपल तरीके से बनाऊंगा, क्योंकि घर पे मिलने वाली जितनी भी चीज़ें हैं या फिर आपके मार्केट में मिलने वाली चीज़ें हैं, उन्हीं को जोड़ जोड़ कर मैं एक बहुत ही शानदार लेंस बनाऊँगा, जो कि प्रॉपर एक कांच से बनी हुई लेंस की तरह ही काम करेगा। वो प्रतिबिंब को बढ़ाएगा भी और धूप में ले जाने पर वैसे ही आग भी लगाएगा। जी हाँ, आपको यकीन नहीं होगा कि पानी से बनने वाला लेंस भी एक कांच की लेंस की तरह ही काम करेगा, और उसको बनाना बिल्कुल आसान है। और मैं आपसे विशेष रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा, और उन लोगों के पास शेयर कीजिए जो स्टडी करते हैं या फिर स्कूल में प्रोजेक्ट बनाते हैं। उन लोगों के पास अगर ये वीडियो जाता है तो वो लोग इस वीडियो के माध्यम से देख करके अपने स्कूल में इस प्रोजेक्ट को बना करके टीचर को इम्प्रेस कर सकते हैं और अच्छा अंक भी ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका अभिनंदन फिर से करता हूं और वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, फ्रेंड्स, एक बड़ा सा लेंस बनाना है हम लोगों को, तो उस लेंस को बनाने के लिए पहले यहाँ पर एक फ्रेम बनाना पड़ेगा लेंस का। तो उस फ्रेम को बनाने के लिए यहाँ पर मैं 4 इंच वाली PVC जो पाइप आती है उसको काट करके, उसको सीधा करके एक प्लास्टिक का सीट मैंने तैयार किया है, और उसी सीट पर यहाँ पर दो मैंने गोल सर्कल बना दिया है, और यहाँ पर हैंडल के लिए एक नीचे की तरफ मैं लाइन खींच रहा हूँ। अब इसको काट लेंगे। काटने के लिए आप अपने हिसाब से जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो उसे काट सकते हैं। दिक्कत थोड़ी होगी अंदर वाले सर्कल को काटने में। यहाँ पर मैं एंगल ग्राइंडर से इसको काट रहा हूँ। आप इसको छेनी से भी काट सकते हैं। अगर एंगल ग्राइंडर चलाने में आपको दिक्कत होती हो, आपके पास नहीं हो, तो आपको छेनी से भी काट सकते हैं। छेनी काफ़ी तीखी होनी चाहिए, जितनी पैनी होगी उसकी धार उतनी बढ़िया कटेगा आपका सीट। यहाँ पर दो सीट को मैं चिपका रहा हूँ आपस में, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी मोटी सीट चाहिए हमें, और यह काफ़ी पतली लग रही थी मुझे। और दोनों सीट चिपक जाएगी तो मजबूत भी हो जाएगी, क्योंकि लेंस में जब हम इसमें पानी भरेंगे तो ये काफ़ी वेटेड हो जाएगा, भारी हो जाएगा, तो उसका भार भी सहने लायक फ्रेम होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं नीचे के हैंडल को भी चिपका रहा हूँ। अब जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है, जो एक्स्ट्रा निकला है, उसको हम रब करके और बढ़िया सा एक शेप दे देंगे, ताकि दिखने में बढ़िया लगे। और फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है आप इसको पूरा वॉच कीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि आप इसको देख करके खुद घर पर एक ऐसा लेंस बना सकते हैं, उत्तल लेंस, जो कि प्रॉपर एक कांच से बनी हुई लेंस की तरह काम करेगा। और सबसे खास बात ये होगी कि ये टूटेगा नहीं, और इसको आप कहीं भी ले जा करके यूज कर सकते हैं, पोर्टेबल होगा। और एक मैं बात बताऊंगा आपको कि ये वीडियो मैंने सर्च किया था यूट्यूब पे, कि हो सकता है कि कोई भाई बनाया हो, क्योंकि आज यूट्यूब पर तो एक से एक महारथी लगे हुए हैं। और मैंने सर्च जब किया तो एक भी वीडियो ऐसे लेंस का नहीं मिला। हमारे दिलराज भाई हैं, मैं उनका काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ और काफ़ी लोग उनके फ़ैन हैं, तो मैं कुछ हर्ट करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, बस ऐसे ही बता रहा हूँ कि उन्होंने जो एक लेंस बनाया था, काफ़ी बड़ा लेंस बनाया था, लेकिन उसमें कमी ये थी कि, मैं कमी इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझें उस बात को, बस इसीलिए। और कमी उसमें ये थी कि वो पोर्टेबल नहीं था फ्रेंड्स, आप उसको कहीं उठा कर नहीं ले जा सकते थे। बस उन्होंने प्लाईवुड को काट करके दोनों तरफ से चिपका करके, दो प्लाईवुड और बीच में पन्नी लगा करके और पानी उसमें भर के लेंस बनाया था, लेकिन वो पोर्टेबल नहीं था, उससे आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। बस उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था और उससे पानी चारों तरफ से निकल रहा था, वो पूरी तरह से सक्सेस भी मुझे नहीं लगा। उन्होंने खुद कहा कि पूरी तरह से सक्सेस नहीं है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा लेंस बनाया जाए जो कि पोर्टेबल हो, दिखने में भी अच्छा लगे और पानी उससे लीक ना हो कहीं, और आप उसको कहीं भी ले जा करके यूज कर सकें। हमारी एक पर्पस होती है कि हम ऐसा कुछ काम करें जो कि काम के लायक हो, आपको उससे कुछ बेनिफिट मिले, फ़ायदा मिले। तो आप अगर कहीं पर लेंस आपको कहीं ज़रूरत हो तो आप इस तरह से लेंस बना सकते हैं। ये जो पन्नी देख रहे हैं आप, आपको पॉलीथीन जहाँ पे मिलती है मार्केट में,
वहाँ पे मिल जाएगी, जो दुकान के बाहर अक्सर लोग टांग करके रखते हैं डस्ट रोकने के लिए। तो उसी पन्नी को यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ, एक साइड से मैंने चिपका दिया है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि चिपकाते वक्त अंदर के तरफ फेविक्विक ना जाए। यहाँ पर सुपर ग्लू से मैं चिपकाया हूँ, कैंची से इसको काट लेंगे, जो बाहर का काफ़ी जो बाहर हिस्सा निकला हुआ है उसको हम काट लेंगे। तो एक साइड से मैंने काट लिया है चिपका करके। अब ये कट हो जाने के बाद दूसरे साइड से चिपकाएंगे। और फ्रेंड्स ये ध्यान होना चाहिए कि फेविक्विक अंदर ना जाए, कम से कम और पूरा ध्यान देकर के यूज करना है इसको। पहले साफ़ कर लेंगे कि अंदर साइड कुछ ना रहे, बस क्लियर कर लेंगे और दूसरा पन्नी जो है उसको चिपका लेंगे। फ्रेंड्स आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के सब्सक्राइब करने से। और वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे, पूरा वॉच कर लीजिए वीडियो को, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और नॉलेजबल लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। यहाँ पर मैं फेविक्विक को कम मात्रा में दे दे करके चिपका रहा हूँ। आपको अगर आप इस प्रोजेक्ट को बनाते हैं तो उस समय की मैं बात कर रहा हूँ कि आप कम से कम फेविक्विक दीजिए, और दूसरा सर्कल जो मैं दूसरा जो पन्नी चिपकाना है दूसरे साइड में, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पन्नी मुड़े नहीं कहीं पर, सीधी रहे। नीचे की तरफ जो मैंने पाइप लगाया है वो पाइप आपको स्लाइन सेट के साथ मिल जाएगी, और एक उसमें चाबी लगाना है जो कि पानी को रोक करके रखेगा, उसको मैं दिखाऊंगा पानी भरते वक्त। यहाँ पर दूसरे साइड की पन्नी को भी हम काट लेंगे। तो कुल मिलाकर के हमारा लेंस का 90% जो काम है वो तैयार हो चुका है। 10% काम ये है, 10% नहीं, यहाँ पर 5% ही कहेंगे, 5% काम ये है कि अब इसमें पानी भरना है। ये जो सिरिंज का मैंने एक वाटर पम्प बनाया है, इसका वीडियो आपको एक्सपेरिमेंट 0KM पर मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर भी आपको ये नहीं मिलेगा कि इसको मैंने कैसे बनाया है। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपको बना करके डाल दूँगा, अगर आप कमेंट करेंगे आप देखना चाहेंगे कि ये कैसे बना है तो मैं डाल दूँगा एक दूसरा वीडियो। यहाँ पर मैं पानी भर रहा हूँ, और फ्रेंड्स यहाँ पर एक गलती हो रही है जो कि मुझे दिख रही है, आप लोगों को दिख रही है एक गलती, पानी भरते वक्त भी हो रही है। मैं आगे आपको बताता हूँ कि गलती कहाँ हुई थी मुझसे। यहाँ पर मैं पानी भर रहा हूँ, देखिए फ्रेंड्स यही मिस्टेक था, यहाँ पर मैंने चाबी नहीं लगाया था। अगर पानी पूरा भर जाता तो निकालते वक्त पानी गिरने लगता। ये लगा देना है और पूरा इसका मुंह खोल देना है, देन पानी भरना है हम लोगों को। यहाँ पर देखिए पानी अंदर भर रहा है और कहीं से लीक भी नहीं हो रहा है, थोड़ा सा भी लीक होता कहीं से तो पानी निकलता। बीच में देखिए यहाँ पर एयर कंप्रेस हो गया है, एयर को भी हम निकाल लेंगे कुछ देर में। ये पानी भर रहा हूँ मैं। फ्रेंड्स जैसे जैसे आप इसमें पानी भरेंगे दोनों साइड से लेंस का शेप मिलता जाएगा आपको, आपको देखने को मिलेगा कि अच्छा सा लेंस बनता जा रहा है। यहाँ पर देखिए बीच में एयर आकर के इकट्ठा हो गया, ये जो है ये लाइट का सिंबल है, ऊपर जो लाइट जल रहा है ये कुछ नहीं है और ये एयर है। यहाँ पर इसको बंद कर देंगे, बंद करने के बाद इसमें से इसको निकाल लेंगे सिरिंज को, इसको फिर ओपन करके और उठा देंगे तो एयर ऊपर आ जाएगा। आप दबा करके इसको हम आसानी से एयर को पूरा तरह से निकाल सकते हैं। अब इसको बंद कर देंगे स्विच को और फिर से इसमें पानी भरना चालू करेंगे। फ्रेंड्स ये जो लेंस बनेगा ये प्रॉपर एक कांच से बनी लेंस की तरह ही काम करेगा। आपको यकीन नहीं होगा देखने के बाद कि ये पानी से बना लेंस इतना बढ़िया काम कर रहा है, और मैं आपको दिखाता हूँ जब मैं इसको टेस्ट करूँगा। ये प्रॉपर वैसे ही आग लगाएगा सूर्य की रोशनी के सामने रखने के बाद। मैंने एक छोटा सा लेंस और बनाया है जिसको मैं दिखाऊँगा लास्ट में, टेस्टिंग के लिए मैंने बनाया था। उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि एक बड़ा सा भी लेंस बना सकते हैं आप, तो मैंने उस प्रोजेक्ट पर भी काम चालू कर दिया जिस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ।
जैसे जैसे मैं यहाँ पर पानी को इंसर्ट कर रहा हूँ, इसके अंदर फील कर रहा हूँ, एक लेंस का शेप मिलता जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, इतना मोटा हो गया है। अब इसमें और ज़्यादा पानी भरने की ज़रूरत है, मैं भर रहा हूँ। अब लगता है कि लेंस हमारा बनकर तैयार है। देखिए फ्रेंड्स, लेंस बनकर पूरी तरह से तैयार है। चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं बाहर। इतना बड़ा लेंस, कितना बड़ा, इतना बड़ा, काफ़ी बड़ा है ना? नहीं यार, बड़ा नहीं है। हमने जितना बड़ा एक्सप्लेन किया था बनाने का, उतना बड़ा नहीं है ये। असल में कितना बड़ा होना चाहिए लेंस, मैंने बताया था, दिखाता हूँ आपको। इतना बड़ा, कितना बड़ा, इतना बड़ा, ये कितना बड़ा है और ये कितना बड़ा है, देखिए आप एक्सप्लेन कीजिए खुद ही, एक्सप्लेन के सामने है। तो मैंने पहले डेमो के रूप में इसको बनाया था कि आखिर ये वर्क करता है कि नहीं करता है, उसके बाद मैंने इतना बड़ा इसको बना डाला। चलिए अब इसको टेस्ट करके देखते हैं कि असल में ये काम करता है कि नहीं करता है। पहले छोटे वाले को टेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर एक पॉलीथीन है, करीब से दिखाओ भाई। और जैसे ही मैं इसकी फोकस दूरी को एकत्रित करता हूँ, यहाँ पर आग लगने लगता है। देखिए और कितना तेज़ी से आग लगता है, आप देखिए। पहले मतलब कि एक कांच से बनी हुई जो लेंस होता है, जैसे बिहेव करती है, जैसे ही धूप के सामने ले जाते हैं, रोशनी को इकट्ठा करते हैं, आग लगने लगता है, वैसे ही ये भी काम कर रहा है। ये छोटा वाला है, ये छोटा वाला, देखिए कागज़ में भी आग लगाकर देखते हैं। पर देखिए कागज़ में भी आग लग रहा है। इसी कागज़ पर मैंने पहले वीडियो बनाने से पहले ट्राई भी किया था, यहाँ पर भी आग लग रहा है, कागज़ में भी धुआं दिख रहा होगा। चलिए अब इसको हटाते हैं और ट्राई करते हैं बड़े वाले को। दिख रहा है फ्रेंड्स, ये कितना जल्दी आग लगा दिया। टाइमिंग देखिए आप, वीडियो को पीछे करके थोड़ा सा स्किप करके देख सकते हैं कि कितने देर में। देखिए फिर से मैं दिखाता हूँ एक बार, जैसे यहाँ पर फोकस दूरी एकत्रित नहीं किया मैंने, जैसे ही यहाँ पर इकट्ठा करता हूँ, आग लगना चालू हो जाता है। ये कहाँ से आ गई, हट। देखिए फ्रेंड्स, ये बड़ा वाला लेंस कैसे काम कर रहा है। इतना तेज़ी में, जैसे मैं जैसे ही हाथ इधर से उधर मूव करता हूँ, वैसे ही आग लगाना चालू कर देता है, एक लाइनिंग की तरह बन रहा है। देख रहे हैं फ्रेंड्स, अमेजिंग, मैंने जितना एक्सप्लेन किया गया था उससे कहीं ज़्यादा काम कर रहा है ये। इसमें कितना तेज आग लगा रहा है, देखिए आर पार हो गया है। फिर से दिखाता हूँ, फिर से आ गई, होली आ गया है, होली आ गया है, भागो भागो। पेड़ के पत्ते में कितना जल्दी आग लग गया, धूप में पसीना पसीना हम लोग हो गए हैं। दिखाओ इधर, धूप में पूरा तरह से पसीना पसीना हो गए हम लोग। तो फ्रेंड्स, इतना बड़ा लेंस, और आपने क्या सोचा था कि छोटा सा लेंस बनाएगा भाई, लेकिन फ्रेंड्स कितना बड़ा इसका डायमेंशन मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा हाथ जो है वो पूरा तरह से 18 इंच का है। देखिए यहाँ से यहाँ 18 और यहाँ पर 3 इंच है, लगभग 21 इंच का लेंस है ये। और इसकी हैंडल के साथ मैंने इसको डायमेंशन दिखाया था, और यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको, अमूमन 1 फीट से ये ज़्यादा है।
तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये लेंस वाला वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इन दोनों लेंसों में सबसे बढ़िया आपको कौन सा लगा, इसकी मोटाई भी थिकनेस भी आप देख सकते हैं, इनमें से कौन अच्छा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नया वीडियो जो भी मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।